Audio Jungle. यमुना विहार निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता के वार्ड में देखने को मिला, जहां सीवर लाइन फट जाने से भजनपुरा इलाके में सीवर का पानी सड़कों पर आ गया, मगर इस मामले को गंभीरता से लेने से लाइन को ठीक कराया गया। आज उन्होंने यहां का दौरा खुद किया। तस्वीरों में सीवर लाइन की मरम्मत को देखते ये पार्षद प्रमोद गुप्ता हैं। लॉकडाउन के चलते इसकी मरम्मत कराने में इनको भारी मशक्कत तो करनी पड़ी, मगर इसमें कामयाबी मिल गई। स्थानीय लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिला। देखिए, ये काफ़ी पुरानी लाइन हो चुकी हैं। इस लाइन को बदलवाने के लिए टेंडर भी हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। ये इससे पहले भी एक दो बार ये लाइन फट के दूसरे स्थानों पर हमें समस्या क्रिएट कर चुकी है, तो पीछे हमने इसका वर्क ऑर्डर करा दिया था, मगर लॉकडाउन के चलते इसका काम रुक गया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अभी इस लाइन को फिर इस जगह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन फट गई, जिसकी वजह से भजनपुरा सी ब्लॉक की कुछ गलियों के अंदर जल भराव की समस्या आ रही है, क्योंकि ये भजनपुरा से जो कुछ पानी है उसको पंप करके ले जाके पानी को निकालता है, उससे कारण समस्या आ रही थी। दिन रात हमारी एमसीडी की टीम काम कर रही है। यह लाइन हमारे ईएनएफ डिपार्टमेंट के अंदर आती है, नगर निगम के अंदर आती है, नगर निगम इसकी देखरेख करता है और निरंतर कार्य कर रहे हैं। कल भी सारी रात यहाँ पर काम हुआ है, आज भी काम हो रहा है, लगभग काम फाइनल पर है। कुछ घंटों बाद ये लाइन चालू कर दी जाएगी। कल रात भी कुछ पंप चलाकर कुछ ट्रायल करके देखा है और मुझे लगता है कामयाब है, और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा इस लाइन को रिप्लेस करके नई लाइन के ऑलरेडी पाइप तक आ चुके हैं और रखे हैं, उसको डाल दी जाएगी। जनता की समस्या जो थी जल भराव की, वो तो कल रात में भी पंप चलाकर हमने ठीक कर दी है। समय समय पर थोड़ा थोड़ा पंप चला के हम पानी निकालते रहे, नहीं तो बहुत पानी खड़ा हो जाता, क्योंकि लॉकडाउन में वैसे ही लोग घरों के अंदर हैं। मगर संपूर्ण समस्या का निदान आप समझिए हो गया, कुछ घंटों बाद ये लाइन चालू कर दी जाएगी। लॉकडाउन के चलते जिस तरह से यमुना विहार पार्षद जन समस्याओं को लेकर काफी गंभीर हैं, उससे साफ जाहिर है कि वे अपने वार्ड की जनता को निगम परेशानियों में घिरा नहीं देखना चाहते। प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।